एक टाइम था जब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर ट्रस्ट करना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन अब इंडियन रोड्स पर इलेक्ट्रिक स्कूटर नजर आना आम बात हो चुकी है। बढ़िया रेंज, पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले की टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस सब कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मिलता है। तो अब 2024 में क्या कंपनीज सच में कुछ नया ऑफर कर पाएंगी, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में है। और आज हम जानेंगे टॉप 7 बेस्ट अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन 2024। शानदार अपडेट्स और अनबिलीवेबल फीचर्स के साथ ये स्कूटर गेम चेंजर साबित होंगे। और सबकी फेवरेट एक्टिवा भी अब इलेक्ट्रिक अवतार में आ रही है। तो चलिए फिर जल्दी से आज की राइड शुरू करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल्स। नंबर 7 पर है होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक, जिसका इंतजार काफी लोगों का है क्योंकि एक्टिवा ने मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज भी अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे बेस्ट स्कूटी कौन सी है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एक्टिवा। अब होंडा इलेक्ट्रिक मार्केट में काफी लेट एंट्री ले रही है क्योंकि एक्टिवा इलेक्ट्रिक इंडियन मार्केट में इनका पहला ही इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। डिटेल्स पर अगर आएं तो इसमें फिक्स बैटरी सेटअप आएगा और 50 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड मिलेगी। अब यार टॉप स्पीड तो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, लेकिन शायद कंपनी का फोकस स्पीड और परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि रेंज पर ज्यादा है। लेकिन कॉम्पिटिशन को देखते हुए आज एक बेहतर इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। केवल रेंज से काम नहीं चलेगा क्योंकि लॉन्ग रेंज तो बहुत से स्कूटर्स में मिल रही है। जब कंपनी इतना लेट मार्केट में घुस रही है तो कंपटीशन को स्टडी करके इनको कुछ यूनिक और स्पेशल चीजें अपने स्कूटर में ऐड करनी ही होगी। अभी इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स होंडा ने ऑफिशियली आउट नहीं की है, लेकिन जनवरी में इसका डेब्यू हो सकता है और 2024 के फर्स्ट हाफ तक इसको कंपनी लॉन्च कर सकती है, जहां इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1.1 लाख रुपीज के आसपास रखी जा सकती है। नंबर 6 पर है TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसको अगस्त में लॉन्च कर दिया गया था, बस अब इसकी डिलीवरीज होना बाकी है। पेट्रोल स्कूटर्स के मामले में TVS सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है और 2023 में पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube की शानदार सेल्स करके इन्होंने इलेक्ट्रिक मार्केट में भी अपने जगह बना ली थी। एक सिंपल एंड रिलायबल ई स्कूटर TVS iQube के बाद अब कंपनी शानदार स्पॉटी डिजाइन और अमेजिंग फीचर से लोडेड प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X भी मार्केट में ला रही है। बात करें इसके पावर ट्रेन की, तो इसमें 11 किलोवाट की मोटर आती है जो 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको ऑफर करती है, और साथ ही 4.4 किलोवाट की बैटरी आती है जो 140 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करती है, और फुल चार्ज होने में ये बैटरी लगभग 4 घंटे का समय लेती है। तो स्पीड, पावर और रेंज, इन तीनों फैक्टर्स में ये स्कूटर एकदम सॉलिड है और कंपटीशन से बहुत आगे है। अब इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें LED इल्यूमिनेशन, 10.2 इंच TFT स्क्रीन विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, TVS SmartX कनेक्ट फॉर नेविगेशन, 3 राइड मोड्स, OTA अपडेट, क्रूज कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स और हाईटेक फीचर्स इसमें डाले गए हैं। इसकी डिलीवरीज 2024 के कुछ स्टार्टिंग मंथ्स में चालू हो जाएगी, जहां इसकी एक्सशोरूम प्राइस 2.5 लाख रुपीज है। फीचर्स और परफॉर्मेंस की इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस शायद थोड़ी ज्यादा है। बाकी मार्केट में उतरने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये सच में अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता भी है या नहीं। नंबर 5 पर है भाई एथर 450 एपेक्स, जिसकी कंपनी ने बुकिंग्स भी चालू कर दी है, और बताया जा रहा है कि ये स्कूटर एथर का सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, जिसमें सीट्स को भी थोड़ा रीडिजाइन करके कंफर्टेबल बनाया जाएगा। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मार्केट में सबसे शुरुआती कंपनीज में से एक है और आज इनके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है कि ये कस्टमर्स की नीड को समझते हुए एक्सेलेंट स्कूटर डिजाइन कर सकते हैं। अब एथर 450 के कई वेरिएंट मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके लेटेस्ट एपेक्स वेरिएंट की पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें 6.4 किलोवाट की वही सेम इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी जो शुरुआत से एथर 450 में मिलती आ रही है, और इस बार पावर को थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। बात करें बैटरी की, तो इसमें 3.7 किलोवाट आवर की वही सेम बैटरी यूज की जाएगी जो अभी एथर यूज करता है। तो परफॉर्मेंस में नहीं, बस इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके फीचर्स की कोई ऑफिशियल डिटेल्स आउट नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें करंट मॉडल में जो भी प्रीमियम फीचर्स हैं वो सब इसमें ऐड किए जाएंगे। अब फिलहाल एथर 450 की प्राइस 1.48 लाख रुपीज है, लेकिन जो कुछ चेंजेस इस नए वेरिएंट में होने वाले हैं उनसे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरीज मार्च 2024 तक चालू कर दी जाएगी। नंबर 4 पर है सिंपल .1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो सिंपल एनर्जीज की तरफ से एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। इसकी बुकिंग्स कंपनी ने चालू कर दी है। भाई ये नया स्कूटर शानदार लुक्स और रेंज के साथ आएगा। सिंपल 1 जो इनका सबसे पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर था, वो साल भर से भी ज्यादा इंतजार करवाने के बाद बहुत लेट मार्केट में आया था, लेकिन सबसे अलग लुक, अट्रैक्टिव फीचर्स और सबसे हाईएस्ट रेंज इसने ऑफर की है। तो उसको देखते हुए सिंपल एनर्जीज के इस नए स्कूटर से उम्मीद काफी ज्यादा है। सिंपल .1 की मोटर 8.5 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करेगी और 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको देगी। बात करें इसकी बैटरी की, तो 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें आएगी जो 151 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज ऑफर करेगी। फीचर्स में हाँ, रिमोट एक्सेस, सिंपल टैग, OTA अपडेट्स, सेव एंड फॉरवर्ड रूट्स, राइड स्टैटिस्टिक्स, रिमोट अलर्ट जैसे सभी नीडफुल फीचर्स इसमें दिए जाएंगे। अब इस स्कूटर की इंट्रोडक्टरी प्राइस 99,000 रुपीज है, जो बाद में इंक्रीज की जाएगी, और इसकी डिलीवरीज भी 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स में चालू की जा सकती है। 1 लाख रुपए के बजट में जो टॉप स्पीड और रेंज ये स्कूटर ऑफर कर रहा है, वो अभी मार्केट में बहुत ही कम ब्रांड्स ऑफर कर पाई हैं। अब बाकी इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना दम है।
नंबर 3 पर है बजाज चेतक अर्बन, जिसको कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। ये बजाज चेतक का अपडेटेड मॉडल होगा, जिसका लुक तो शायद सेम ही रखा जाएगा, बस बैटरी और पावर में कुछ इसको अपडेट दिए जा सकते हैं। बजाज वो ब्रांड है जो टू व्हीलर मार्केट में कई सालों से है और आज लोग आंख बंद करके भी इस ब्रांड पर भरोसा करते हैं। ये इलेक्ट्रिक मार्केट में बहुत पहले उतरे थे और इनका चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को काफी पसंद भी किया गया था और शायद इसीलिए कंपनी इसका नया वर्जन मार्केट में ला रही है। अब स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो अभी कुछ ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसकी 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी को 4 किलोवाट आवर की बैटरी से रिप्लेस किया जाए और 110 किलोमीटर तक की रेंज इसमें मिल पाएगी। ये अब कंपटीशन को देखते हुए बहुत जरूरी भी है। अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि इसको बहुत ही जल्द कंपनी हर स्टेट में अवेलेबल करवाने वाली है। इसकी स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस 1.15 लाख रुपीज है। नंबर 2 पर है काइनेटिक जूनो इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसको लॉन्च कर दिया गया है और इसकी बुकिंग्स भी चालू हैं। ये काइनेटिक ग्रीन की तरफ से एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसको शानदार फीचर्स और रेंज के साथ पेश किया गया है। इसमें 2.1 किलोवाट की BLDC हब मोटर दी गई है, जो 60 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड को देगी। और बात करें बैटरी की तो इसमें 2.27 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो लगभग एक फुल चार्ज होने में 104 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज ऑफर करेगी। इसको आधे घंटे में आसानी से फुल चार्ज किया जा सकता है, जो बहुत ही कम समय है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कंपैरिजन में। 150 kg की पेलोड कैपेसिटी और फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक इसको दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एप्रन माउंटेड हेडलैम्प, LED DRLs, डिजिटल स्पीडोमीटर, एन ऑटो कट चार्जर, साइड स्टैंड सेंसर, बूट लाइट जैसे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स इसे दिए गए हैं। तो भाई ठीक ठाक फीचर्स और पावर ट्रेन इसमें डाले गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस 95,000 रुपीज है और इसकी डिलीवरी 2024 के स्टार्टिंग मंथ में चालू हो सकती है। तो एक सस्ता सा ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आप तलाश रहे हैं तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1 पर है क्रॉसओवर GX250, जो एक काफी चर्चा में रही कंपनी गोगोरा का इंडिया में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। ये इंडिया में शानदार बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क डेवलप करने वाले हैं, जहां बहुत से शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इनकी तरफ से आने वाले हैं। इनका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने अनवील कर दिया है, बाकी इसके दो और वेरिएंट 2024 तक ये लाएंगे। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें 2.5 किलोवाट की डायरेक्ट ड्राइव मोटर आएगी, जो 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इसको देगी और 111 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज इसमें दी जाएगी। इसमें लार्ज बॉडी पैनल्स, स्पेशियस फ्लोर बोर्ड, स्प्लिट टाइप सीट, एम्पल स्टोरेज स्पेस इसमें दिया गया है और साथ ही इसको रफ टेरेन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जहां हर तरह के रोड पर ये बिंदास होके चलेगा। कीलेस फंक्शन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्वैपेबल बैटरीज जैसे कुछ और भी फीचर्स इसमें डाले गए हैं। इसको कम्प्लीटली इंडिया में डेवलप किया जाएगा, जहाँ ज्यादा कुछ डिटेल्स तो इसकी फिलहाल आउट नहीं हुई है, लेकिन ये एक ठीक ठाक इलेक्ट्रिक स्कूटर इनकी तरफ से हो सकता है। इसकी स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस 1.2 लाख रुपीज हो सकती है। इसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा सकता है और डिलीवरीज भी 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स में चालू हो सकती है। तो भाई अब बहुत सी नई कंपनीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में देखने को मिलेंगे, जहां अनलिमिटेड ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मिलेंगे। तो दोस्तों ये है वो 7 लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो 2024 में इंडियन रोड्स पर नजर आ सकते हैं। अब इनमें से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्कूटर गेम चेंजर होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो या कार, सबसे बेस्ट लिस्ट और कंपैरिजन तो यहां मिलते रहेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और उनके साथ शेयर जरूर करना जो 2024 में नए स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं। TVS X के डिटेल रिव्यू के लिए लेफ्ट में शो हो रहा वीडियो जरूर देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।